हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी योर पैमेला। सो रोड के बीच में मैं खड़ी हूँ, किस लिए ये बताती हूँ। आज मैं आई हूँ जादवपुर विवेक नगर में और चाय की खोज में आ गई हूँ। और टी स्टॉल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा चाय बनता है। सो आप लोगों को पता है कि बॉम्बे में भी मैं बहुत जगह पे जाती हूँ और चाय पीती हूँ। तो आज देखते हैं विवेक नगर में इनके पास क्या टी है। चलो। तो भैया आपके पास क्या स्पेशलिटी है बताओ? चॉकलेट टी है। ओके। मलाई टी है। ओके। और भी बहुत सारे वैरायटी का टी है, नॉर्मल टी भी मिलेगा। ओके, तो चाय के दुकान में ये सिरप क्या कर रहा है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये सब सिरप के साथ चाय बनाया जाता है। ओके, तो आप दिखाएंगे? हाँ, चाय पिलाएंगे। हाँ, पिलाएंगे। ठीक है, बनाइए। कौन सी वाला चाय है आपके यहाँ पे जो बेस्ट है? वो ठीक है, तब मलाई चाय दीजिए। और ये पहले क्या हुआ, चॉकलेट सिरप डाल दिया? चॉकलेट सिरप डाली मैंने। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है गाइस, मैंने कभी ऐसा चाय नहीं पिया। आज मैं देखती हूँ, मैं बहुत ही मतलब चाय लवर हूँ। और मतलब लेट्स सी। और हमारे साथ आज कौन कौन गेस्ट है आप लोग देख सकते हैं कैमरे के पीछे खड़े। मेरी मॉम है, टुटुलदा है हमारे बहुत पुराने डायरेक्टर, और मैं मतलब टुटुलदा के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हम लोग मतलब बचपन से टुटुलदा के साथ काम किया है, एक्टिंग किया है, एक्टिंग सीखा भी है। तो ये गुरु है हमारे, और एक गुरु और भी है, मेरी मॉम साथ में है, और ये अभी मेरी नई दोस्त है शोमा। शोमा भी बहुत अच्छी है, तो आगे भी हम लोग बहुत सारे ब्लॉग में शोमा को मतलब शोमा को यूज़ करेंगे। क्या है ना, एकदम मिलोगे ना? एकदम। शोमा बहुत जल्दी बॉम्बे में आने वाली है। बात करते करते चाय भी बन रहा है, तो देखते हैं। चाय के साथ यहाँ पे सारे बहुत सारे बिस्किट्स भी है, जो मतलब कोलकाता का बेकरी का बिस्किट्स है। ले लू? ठीक है, चलो। और कौन कौन बिस्किट खाएगा? सो ये है स्पेशल बिस्किट है यहाँ का, देखिए। अच्छा, मम्मी को ये बिस्किट खाना है। वाओ, चॉकलेट चाय रेडी हो चुका है। सो गाइस ये देखो, चॉकलेट टी। वाओ, अमेजिंग। देखते हैं मॉम लोग क्या क्या चाय ऑर्डर किया है। तो मैं ये मलाई चाय पी रही हूँ, और टुटुलदार बाकी सारे लोग यहाँ पे, उन लोगों का ऑफिस है, तो उन लोगों ने उन लोग जो रोज टी पीते ना वही चाय पी रहे, और मैं स्पेशल पी रही हूँ। मम्मी कौन सा पी रहा? नॉर्मल। मतलब मैं एबनॉर्मल हूँ क्या? बोले ये टीम जो है भिखारी टीम है, इसलिए नॉर्मल। टीम का जो बाजार है ना बहुत खराब है, इसलिए 10 रुपये का चाय पीता है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है इसका, ये चाय का बजट जो है क्या क्या प्राइस का चाय, ये मैं सुन लूंगी। ये कितने का है? कौन सा वाला? ये मेरा जो 40 रुपये का। ये 40 रुपए का चाय है, और ये चॉकलेट 30 रुपए का भी मिलता है, लेकिन अच्छा, स्पेशल 40 रुपए का। अच्छा, स्पेशल स्पेशल बोलो चाय। ओके, स्पेशल 40 रुपीज का है, और बाकी जनरली 10 रुपए से स्टार्ट होता है ना, हम लोग जो पीते हैं डेली 10 रुपीज से। तो और क्या चाहिए इस ठंडी के मौसम में? इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग काम करने आए थे ऑफिस में, और शाम के टाइम पे हमारे रिलैक्सेशन है टी। गाइज, ये सबसे बेस्ट टाइम है कि साथ में हम लोग हैं, और साथ में टी हो तो अच्छा लगता है और ज़्यादा, और मस्ती भी चालू है यहाँ पे, और काफ़ी एटमोसफियर भी कूल है, ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग आ सकते हो, शांति से चाय पी सकते हो यहाँ पे।
सो चाय पी लिया और चाय के बाद देखती हूँ बहुत सारे आइटम है। ये आंटी का शॉप है, शॉप के सामने ये आंटी का बेटे का जो चाय की दुकान है। पर ये आंटी, आंटी आपका अपना ছেলে এত সুন্দর চা বানায়, আপনার কি বলার আছে বলুন? কি মনে হচ্ছে আপনার কি আরো অনেক মানুষ আসবে এখানে চা খেতে? মনে হচ্ছে চাটা তো ভালো হচ্ছে তোমাদের কাছে, ভালো 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 পাচ্ছি তারপরে যেটা কাছে তুমি ফুটি গেছে একদম। হ্যাঁ তারপরে এই যে দাদারা খাচ্ছে আবার আসছে। তাহলে প্রথম চাটা বানানো শেখালো কে তোমার ছেলে? ওটা আমার ভাই শিখিয়েছে। ও আচ্ছা। হ্যাঁ আমার ভাই শিখিয়েছে, আর তারপর থেকে এখন আমরাই আস্তে আস্তে শুরু করছি, আমরাই করছি। ঠিক আছে, খুব সুন্দর। तो चलो आंटी ने बता दिया है कि कैसे ये चाय बनाना सीखा है, और मैं विश करती हूँ कि इनका चाय और फेमस होते रहे। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये जो कूलर है ना, बहुत ही स्वीट वाला कूलर है, जो कि बाहर ये कूलर वाली चाय नहीं मिलती है, बॉम्बे में बहुत कम मिलती है। तो ये यहाँ का खासियत है कोलकाता का, तो इसके लिए मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर देखो सारे लोग बैठे हुए। आपका नाम क्या है, कैसा लगा आपको चाय? ओह अच्छा, आपका आपका नाम क्या है? ओके, आपको कैसा लगा चाय पी के? खूब भालो लगे चे चा खे आमादे। चा भालो लगे बोले तो बोशे अच्छी गए ने। आमा की देखा चे, क्या बोले? मैं पाटो ना हासो। ऐसी कोई बात नहीं। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है रोटी और ये सब भी मिलता है, तो यहाँ पे जमाई पा जाए। ठीक है, भले ही तो जमाई पहले तो भले देखो, बहुत सारे लोगों को जमाई का खोज है, तो अगर जमाई भी चाहिए तो यहाँ पे पैसा देगा मेरे बाप को, मतलब जोक ऑफ द डे था, सबसे बेस्ट था आज का ये जोक, टुटुलदा का जोक सबसे बेस्ट था आज। सिर्फ चाय नहीं, देखिए ये कितना हैपनिंग प्लेस हो गया है कि चाय के साथ हम लोग बहुत बहुत एंजॉय किया। अरे आगे जी, चलो डायरेक्टर बोल दिया पैकअप, चलो बैक टू पैविलियन। आज का ब्लॉग इतना ही। सो भैया आपका नाम बता दो। ओर्गो घटक। तो ओर्गो घटक भैया के दुकान में आओ और यहाँ पे चाय पियो, और मेरे अगले ब्लॉग के लिए वेट करो। बहुत ही जल्दी हम लोग आने वाले नए कॉन्सेप्ट लेके। सो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब। ओके चलो बाय। চলো আন্টি আসলাম, আমাকে আশীর্বাদ করো, আমি যেন বম্বেতে ভালো নাম করতে পারি। ঠিক আছে, সবাই সাপোর্ট থাকলো। থ্যাংক ইউ। চলো।